नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस वीडियो में हम आपके लिए आते हैं स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिकों ने हर मुश्किल को अपने सीने पर लिया है। हमारे देश की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से निरंतर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मांग हो रही थी, कुछ प्रयास हुए लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब 2014 में इस स्मारक का कार्य शुरू किया और इस कार्य को तय समय में पूरा किया गया। इस ऐतिहासिक स्थान पर उन्होंने कहा कि वे पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों को और भारत पर अपनी जान को निछावर करने वाले हर बलिदानी को वे नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र के सभी मोर्चों पर मुश्किल परिस्थितियों में डटे वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूं। दोस्तों यहां पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है MRF की तरफ से। जी हां दोस्तों, MRF के वरिष्ठ अधिकारी JM थॉमस मैथन ने कहा है कि हम चेन्नई स्थित MRF जगुआर फाइटर जेट्स और हॉक एडवांस ट्रेनर जेट, इलिशियन 76 हैवी लिफ्टर्स और एंटोनोवो 32 ट्रांसपोर्ट प्लेन के टायरों के विकास की संभावनाएं तलाश रहा है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू जहाज तेजस तथा कुछ अन्य वायुसेना के विमानों के लिए जल्द ही नए स्थानीय स्तर पर टायरों का उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी MRF को टायर आपूर्ति करने के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिलने से पहले ही साल के अंत तक तेजस के आगे और पीछे के टायरों के लिए अंतिम सत्यापन परीक्षणों को पूरा करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि अभी तक इन जहाजों के टायरों को बाहर से मंगवाया जाता है। MRF 2013 से SU-30 के लिए एरो मसल्स टायर्स की आपूर्ति कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि डिप्टी GM कमर्शियल टायर्स जी मधु ने कहा है कि LCA और अन्य विमानों के लिए MRF द्वारा विकसित किए टायरों का लोड आवश्यकता से 1.5 गुना अधिक है और ये परीक्षण MRF के लिए बहुत ही कठोर होगा। अगर वह इस परीक्षण को पास कर लेता है तो LCA तेजस के टायरों का कॉन्ट्रैक्ट MRF को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है MiG-35 को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने भारत को नए MiG-35 लड़ाकू जेट की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि इस जेट को उत्पादन के लिए स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए मिग तैयार है। एरो इंडिया 2019 में मिग के महानिदेशक तारासिको इलिया ने कहा कि वर्तमान में हम दुनिया के नंबर वन विमान और भारत में MiG-35 के उत्पादन को स्थानीय बनाने की पेशकश कर रहे हैं। तारासिको ने कहा कि हम 50 सालों से अधिक समय से भारत के साथ अपना उत्कृष्ट सहयोग करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि मिग रक्षा मंत्रालय के टेंडर की 7 कंपनियों में से एक है जो भारतीय एयरफोर्स के लिए 110 फाइटर जेट की डिमांड कर रहा है। मिग का कहना है कि हम इंडियन एयरफोर्स की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। भारतीय वायुसेना 110 MiG-21 और MiG-27 जेट विमानों का संचालन करती है जो चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो रहे हैं। भारत MiG-29 जेट का संचालन भी करता है जबकि नौसेना MiG-29 के समुद्री संस्करण का इस्तेमाल करती है। मिग कंपनी ने दावा किया है कि अन्य मिलते जुलते प्रस्तावों की तुलना में MiG-35 को 20% सस्ता भारत को देगा। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BL ने एक नया उत्पादन एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का हाल ही में एरो इंडिया 2019 में आवरण किया है। यह उत्पाद दुनिया में पेयजल की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया समाधान उपलब्ध कराता है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, BL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक MV गौतम और कंपनी के निर्देशक तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। BL का यह एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर वायुमंडल में मौजूद नमी से सीधे पानी बनाने में उपयोग किया जा सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब पेयजल इस ग्रह पर सबसे कीमती चीज बन जाएगा। वर्तमान में भूजल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्लाशनिकोव की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में AK-47 बनाने वाली कंपनी क्लाशनिकोव अब आसमान पर बेहद खास करने वाली है। अपनी घातक असॉल्ट राइफल के बाद अब ये कंपनी सुसाइड ड्रोन की हकीकत को जमीन पर उतार रही है। इसकी पहली झलक अबू धाबी में लगे डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाई गई। आपको बता दें कि अबू धाबी में हर 2 वर्ष में दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियां अपने हथियारों को पेश करती है। इस बार यहां आने वाले क्लाशनिकोव के ड्रोन ने खास तौर पर अपनी ओर सभी को आकर्षित किया। कंपनी का कहना है कि युद्ध के मायने बदल रहे हैं और इसमें ये सहायक सिद्ध होगा। जिस तरह से AK-47 को दुनिया के सभी देशों में तहरीज मिली है वैसे ही इसको भी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्पेस को लेकर। दोस्तों अंतरिक्ष में अगले विश्व युद्ध के होने की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने तैयारियां जोरों पर कर ली है। दोस्तों इस बात ने एक बार अंतरिक्ष में विभिन्न देशों की सैन्य शक्तियों को चर्चा में ला दिया है। भारत भी अंतरिक्ष में तेजी से बढ़त बना रहा है। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने वाले देशों में भारत 7वें स्थान पर है।
अब भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन के सपने को कायम कर रहा है और 2021 तक इसे साकार भी कर देगा। उपग्रह का इस्तेमाल विभिन्न देशों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। उपग्रह आम लोगों को और सैन्य बलों के लिए होता है। इसके अलावा व्यावसायिक और प्रशासनिक जरूरतों के लिए भी उपग्रह भेजे जाते हैं। अमेरिकी सेना की 5 शाखाएं हैं, वायुसेना, थल सेना, कोस्टल गार्ड, मरीन क्रॉप्स और नौसेना। स्पेस फोर्स अमेरिकी सेना की 6 शाखा होगी, जो कानूनी अनुमति के बाद स्वतंत्र विभाग के तौर पर सेना में शामिल होगी। यह 2020 तक औपचारिक रूप से सेना का अंग बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।